हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दी क्लास आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया लेसन नया नहीं कह सकते उसी का पार्ट है है ना उसे आगे कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था वेमेन कास्ट एंड रिफॉर्म का इंट्रोडक्शन जिसमें हमने जाना कि जो विमेन है कितनी परेशानियाँ उसको देखनी पड़ती है कितने प्रॉब्लम्स कितने चैलेंजेस वो फेस करती है और फिर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें तब अचीव कर पाती है राइट और उसमें भी उसमें आ, कई लोगों ने उसका साथ दिया कई लोगों ने ये चीज़ आइडेंटिफाई की कि जो सती प्रथा है है ना जो सती प्रथा है एक्चुअली और और क्या होता है जो विडो रीमैरिज है है ना सती प्रथा को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था और विडो रीमैरिज को रिड्यूस करना बहुत जरूरी था कि वो अपनी मर्जी से है ना आफ्टर द डेथ ऑफ हर हजबेंड शी कैन मैरी टू दीमेन टू है ना उसको भी शादी करता है तो वाई नॉट फिर वाई नॉट ऐसे उनके साथ चीजें क्यों नहीं हो सकती हैं? तो ये चीजें हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ी थी और उसको ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि जो विमेन है है ना कैसे उनके लिए रिफॉर्म्स लाए गए किन किन लोगों ने मतलब उनके लिए उनके फेवर में आवाज उठाई है ना और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं आज की जो राजा राममोहन रॉय थे है ना उन्होंने वीमेन के लिए लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था यहाँ भी हम पढ़ेंगे ठीक है ईश्वर चंद विद्यागर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज ठीक है कि इन्होंने विमेन के लिए कितना कुछ किया है और जो विमेन है खुद उसने विमेन के बारे में क्या क्या लिखा है कुछ तो औरतें थी जो सशक्त थी बट कुछ औरतें नहीं थी जो सशक्त औरतें थी तो उन्होंने उन महिलाओं के लिए लिखा जो सशक्त नहीं थी ठीक है तो ये भी बहुत जरूरी है कि भाई आप किसी दूसरे की परेशानी को समझ पा रहे हो और उसे लोगों को दिखा पा रहे हो ठीक है सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर ओके दिस इज मी योर टीचर दैट इज भारती एंड यू कैन ऑल्सो कॉल मी दी एन मैम चलिए भाई शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास आप सभी बच्चे हम लोगों को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम तो आपको डाउनलोड करना आता ही है ना प्ले स्टोर पे जाते हैं देन टेलीग्राम टाइप करते हैं फिर वो डाउनलोड होता है राइट और फिर हमें इस चैनल को क्या करना है फॉलो करना है ठीक है फॉलो नहीं करना है एक्चुअली इसको ज्वाइन करना है ठीक है अच्छा आगे चलते हैं ओके सो दिस इज आर चैप्टर एंड टॉपिक्स इसमें चेंजिंग द लाइव ऑफ विडो है ना girls begin going to school. की लड़कियों ने ने कब जाना शुरू किया ये हम पढ़ेंगे uh, के बारे में क्या लिखा वो किस किस तरह तरह से से उनको समझ रहे थे किस तरह से उनकी uh, जो व्यथा थी जो परेशानियां थी उनको लिख पा रहे थे लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज चाइल्ड मैरिज पहले बहुत ज्यादा होती थी अभी भी होती है बट बहुत कम होती है पहले बहुत ज्यादा होती थी ठीक है तो चाइल्ड मैरिज को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए तो उसके अगेंस्ट लॉ बनाए गए कानून बनाए ताकि लोग समझे कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म तो ये रिफॉर्म्स किसके लिए कास्ट के लिए जाति के लिए और किसके लिए आ, समाज के लिए ठीक है चलिए भाई शुरू करते हैं ओके okay. तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था कि आ, वो एक सोशल रिफॉर्मर थे और सोशल रिफॉर्मर होने के साथ-साथ वो एक व्यक्ति मतलब एक अच्छे सज्जन पुरुष थे ठीक है उन्होंने इन चीजों को बहुत करीब से देखा समझा जाना कि चीजें कितनी गलत है हमें इनको सही करना चाहिए है 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 ना स्पेशली जो विमेन वो विक्टिम उनके साथ बहुत परेशानियां बहुत दुविधा उनके साथ देखी जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाती है ठीक है तो राजा राम मोहन रॉय वॉज पर्टिकुलरली मूव बाई विडोज फेस इन देर लाइव एक सेकेंड यहाँ पर हम जरा कलर चेंज कर लेते हैं चलो तो राजा राम मोहन फेस इन जो भी परेशानियां हुआ करती थी तो वो मतलब, बहुत हो, उसके मतलब ये कितना गलत हो रहा है लोगों के साथ है ना और कोई भी व्यक्ति इसके लिए आवाज उठाना नहीं चाहता खुद इवन जो फीमेल्स थी वो भी आवाज उठाना नहीं चाहती थी या उठा नहीं पा रही थी है ना प्रॉब्लम ये था अगर चाहती थी तो वो उठा नहीं पा रही थी क्योंकि उनके साथ कोई सपोर्ट नहीं था ना ही उनके घर वालों का ना ही उनके हस्बैंड का ना भाई का ना बहन का बहन तो सपोर्ट ही कहाँ से करेगी वो खुद एक फीमेल है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी था जो इनके पास नहीं था सो ही बिगेन कैंपेन अगेंस्ट दी प्रैक्टिस ऑफ सती इन्होंने सती के अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट किया कि जो सती प्रथा है वो नहीं होनी चाहिए है ना सती प्रथा मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में क्या होता है कि जब किसी महिला का जब महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी चिता पे जिसपे उसे लिटाया जाता है उसके पति को तो उसके साथ साथ उसकी वाइफ को भी बिठा दिया जाता था कि अभी तेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है आपको भी इसके साथ साथ मरना पड़ेगा क्योंकि आपने जीने मरने की कस्में खाई थी तो अभी आपको प्रूफ करना है कि हाँ, मैं आपके साथ जितनी आपकी लाइफ थी मैंने जी और फिर मैं अब आप ही के साथ मरने वाली हूं है ना ये तो मतलब एकदम सच हो गया गाने में जैसे चलता है ना जीने मरना है नॉल ये सब पेन गिर गया मेरा ओके okay. सो so, अच्छा अभी ऐसा नहीं होता ठीक है देखो बच्चे वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही एक नेचुरल प्रोसेस है कि कोई व्यक्ति कब आता है कोई व्यक्ति कब जाता है किसी को नहीं पता ठीक है और कोई भी ना किसी के साथ मरता नहीं है सबसे पहली बात आपकी जितनी लाइफ है आपको उतनी ही बितानी पड़ेगी आप चाहे किसी को कितना भी प्यार करते हो कितना भी ज्यादा अटैचमेंट है चाहे वो कोई भी रिलेटिव हो सकता है है ना मम्मी पापा भाई बहन एनी कोई भी हो सकता है राइट तो आप किसी के साथ नहीं जा सकते ठीक है आपकी लाइफ आपके सामने है आपके भी आई थिंक फैमिली होगी या नहीं होगी जो भी है बट यू कैन नॉट डाई विद एल्स ठीक है कि अगर वो मर गया है उसकी मृत्यु हो गई तो हमें भी मर जाना चाहिए ऐसा सही नहीं है बिल्कुल भी ठीक है साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजिकली uh, देखो आप ये सब चीजें ये सब सही नहीं होता ठीक है ये जस्ट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि अगर आप आए हो तो यू कैन यू नो गोल्स आपको जाना पड़ेगा ठीक है थोड़ा सा दुख होता है ये सभी को समझ आता है बट यू कैन नॉट डाई विथ सम ठीक है खैर तो राम मोहन रॉय वेल वर्स इन सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस अच्छा जो हमारे भारतीय रिफॉर्मर्स थे या फ्रीडम फाइटर थे स्वतंत्रता सेनानी वगैरह ये सभी लोग ना भारत की भाषा के साथ साथ इनको और कई भाषाएं भी आती थी आई थिंक ये एक अमेजिंग टैलेंट है आई थिंक हम इंडियंस में कि हम अपनी भाषा के साथ साथ हम और भाषाएं भी बहुत अच्छे से बोल सकते हैं ठीक है और इस चीज़ को पर यूरोपियंस एक्सेप्ट नहीं करते थे कि अरे हमसे ज्यादा स्मार्ट ऐसे कैसे ठीक है तो ओके okay, तो ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मतलब लिंग्विस्टिक uh, पर्सन थे बहुत कई भाषा ये आप मतलब अपने आप में बोल सकते थे और ये आई थिंक बहुत अच्छी चीज है हम सभी को भी सीखनी चाहिए ठीक है अब कौन कौन सी लैंग्वेज इनको आती थी देखिए संस्कृत पर्शियन अरेबिक इंग्लिश लैटिन ग्रीक हेब्रू ये सारी भाषाएं जो राजा राम मोहन रॉय थे वो बोला करते थे ठीक है और बोलने से क्या होता है आप किसी से भी बात कर सकते हो आपके लिए मुश्किल नहीं होता किसी भी बात को समझना और किसी भी बात को कहना चाहे आप किसी भी देश में जा रहे हैं चाहे आप किसी भी एरिया में जा रहे हैं है है ना तो ये बड़ा आसान हो जाता वहां पर गुजारा करना है ना मुश्किल नहीं होती बिल्कुल भी ठीक है चलिए आगे चलते हैं ही ट्राई टू शो थ्रू हिज राइटिंग दैट दैक्टिस ऑफ विडो पर्निंग अभी ऐसा कहते हैं कि जो विडो को हम जला रहे हैं है ना मतलब जो विडो है उस, उसको हम कह रहे हैं कि अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो गई तो यू यू शुड आई थिंक यू मस्ट आल्सो डाई विद हिम है ना तो मैं उसके साथ जलना पड़ेगा तो ऐसा कुछ हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा नहीं है किसी शास्त्र में है ना किसी और क्या होते हैं हमारे चार चार थे ना वेद उनों उसमें उस नहीं लिखा ठीक है तो मतलब जब एंशियंट टेक्स्ट में नहीं लिखा इतनी सारी मतलब वो है, है, तो है? है मतलब कि मतलब पुरुष है अगर उसका हस्बैंड है उसकी डेथ हो जाती है तो उसको मरना पड़ेगा ये हमारा परसेप्शन है हमने मान लिया की आपको राइट right नहीं है और अगर आप मरना नहीं चाहते हो आप बचना चाहते हो कि भाई मुझे जीना है नहीं मुझे नहीं मरना है तो उसको जबरदस्ती

पार्ट ऑफ लाइफ हम इसको इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं कि भाई अगर मर गया है तो उसके साथ साथ उसकी वाइफ को भी मरना पड़ेगा लेकिन अगर किसी की वाइफ मर गई तो क्या हम उसके हस्बैंड को बोलेंगे कि तू मर जा वो नहीं मरेगा अरे वो तो आदमी है वो कैसे मर सकता है उसको तो अधिकार है उसकी बीवी के मर जाने के बाद वो दूसरी शादी कर सकता है वो भी शान से पर वो औरत नहीं कर सकती तो ये तो एक बहुत गलत चीज है कि हमने सारे अधिकार एक सिर्फ आदमी को दे रखे हैं और औरत को उसके साथ ही मर जाना है तो ये चीज तो बहुत गलत है है ना अगर आप सभी चीज़ें रूल्स बना रहे हो तो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए सिर्फ फीमेल्स के लिए ही क्यों क्यों तो ये चीजें इनको समझ नहीं आई रहे अरे मजा नहीं आ रहा ये इंडियन ट्रेडिशन ना बड़े समझ के बाहर है फिर देवर देर फॉर मोर देन विलिंग टू लिसन टू राम मोहन है, शायद बहुत अच्छी पता हो, क्यों? क्योंकि ये अपने देश से ही बिलोंग करते हैं हम तो बाहर के व्यक्ति है अब हम बाहर के लोग यहाँ पर अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे जो ट्रेडिशन हमें पता भी नहीं है और हम पता होने के बाद भी हम इनके खिलाफ है हमें मजा नहीं आया ट्रेडिशन देख के है ना तो हमें इनकी बात माननी चाहिए तो राजा राम मोहन रॉय इन सब चीजों को क्या कर लेंगे सॉर्ट कर लेंगे ठीक कर देंगे चीजें ठीक हो जाएगी है ना अब इन 1829 सती वाज बैन तो सती को भाई बैन कर दिया गया तो बहुत खुशी की बात है तो बहुत जल्दी ये काम हो गया कब 1829 में ही ये काम हो गया दिस स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय वाज यूज्ड बाय लेटर रिफॉर्मड एज वेल रिफॉर्मर्स मतलब जितने भी रिफॉर्मर्स थे तो उनको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई समझ आई और फिर उन लोगों ने इस चीज को फॉलो किया उनसे मतलब उनसे क्या हो रहा था कि कोई एक चाहिए था एक इनिशिएट करने वाला पर्सन चाहिए था कि कोई पहल करे तभी हम उस चीज को फॉलो करेंगे ठीक है वेन एवर दे विश टू चैलेंज प्रैक्टिस दैट सी हार्मुल दे ट्राई टू फाइंड अ वर्स ऑफ सेंटेंस इन दैक्रेट टेक्स दैट सपोर्टेड पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा अब अगर कोई कोई भी व्यक्ति मतलब इसको चैलेंज करता था कि भाई जो सती प्रथा है ठीक है इसको चैलेंज कर रहे हैं कि हम इसे बंद करवाना चाहते हैं ठीक है ओके अगर आपको उस समय में एंशिएंट टाइम में यानी कि वो मॉडर्न इंडिया चल रहा था बट हमारे हिसाब से आज के हिसाब से वो क्या चल रहा था एंशिएंट टाइम हो रहा था ठीक है अगर आपको किसी चीज़ को खत्म कराना था बंद करवाना था या कुछ नया स्टार्ट करवाना था तो आपके पास ना वो होने चाहिए प्रूफ होने चाहिए कि आप ऐसा क्यों करवा रहे हो तो उससे पहले क्या था कि आपको पहले ही जो एंशंट टेक्स्ट वगैरह है ना आपको वो सारे छान मारने हैं आपको देख लेने हैं ठीक है कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है अगर आपके पास प्रूफ नहीं होगा तो आप वो चीज़ खत्म नहीं करवा सकते है ना तो इसीलिए अगर आप कोई चीज करवा रहे हैं किसी चीज को खत्म कराना है या स्टार्ट करवाने कुछ चेंजेस लेकर आने हैं सो यू मस्ट है, है so proofs, ताकि आप उन सभी लोगों को उन रूढ़ीवादी लोगों को उन कट्टरपंथी लोगों को आप कोई चीज समझाना चाहते हैं तो प्रूफ के साथ समझा पाए ताकि वो आपकी बात को काटे नहीं ठीक है दे suggested सजेस्टेड practice प्रैक्टिस it इट इज at present was against early ट्रेडिशन अब वो ये सजेस्ट कर रहे थे कि जितनी भी प्रैक्टिसेस अभी एग्जिस्ट कर रही हैं जितनी भी समाज में चल रही हैं ठीक है ठीके? ये सभी ये सभी मतलब अगे मतलब अगे, नहीं चलने वाली ये अगेंस्ट है हर चीज़ के ठीक है ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हैं हम सभी लो, लोगों के सोसाइटी के तो ऐसे ट्रेडिशंस को ऐसी प्रैक्टिस को फॉलो करना सबसे ज्यादा गलत है जो हर चीज के खिलाफ हो हुक स्विंगिंग फेस्टिवल ये एक स्विंगिंग फेस्टिवल है देखो ये अः यहाँ पे एक खंबा लगाया हुआ है और उस खंबे पे ऐसे बांस का वो लगाया हुआ डंडा और उसपे वो लगाया हुआ है दो रस्सियां लगाई हुई है जिसपे आदमी झूल रहे हैं अगर आप देख सकते हैं ये देखिए झूल रहे हैं ठीक है अच्छा तो ये हुक स्विंगिंग फेस्टिवल है इन दिस पॉपुलर फेस्टिवल डिवोटीज अ पेक्यूलियर फॉर्म ऑफ सफरिंग एज अ पार्ट ऑफ रिचुअल वर्शिप अब यहां पे देखो ये मतलब बहुत डिफिकल्ट है हुक हैंगिंग ठीक है इसमें इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर के पार्ट को बांधा हुआ है या फिर हाथों को ऐसे पकड़ के ऐसे करके झूलते हैं ना वो किया हुआ है या फिर अपना यहाँ से यहाँ से बांधा हुआ है वेस्ट पे से या पेट पे से जो भी जगह आपको समझ आ रही है बांधने के लिए और फिर आपको बहुत ऊंची हाइट से घुमाया जा रहा है तो ये एक रिचुअल था इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए मतलब बहुत सफरिंग से बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता था लेकिन फिर भी लोग इसको परफॉर्म करते थे क्यों क्योंकि ये हमारा कस्टम है ट्रेडिशन है हमें से फॉलो करना है ठीक है और अगर आपको ऐसी चीजें फॉलो करनी है जो आपके शरीर को आपकी ह्यूमैनिटी को हर चीज को नुकसान पहुंचाती है तो उसे कंटिन्यू करने के बजाय हमें खत्म कर देना चाहिए ठीक है अगर आप खत्म कर देते हैं तो वो आगे आने वाली जनरेशन तक पास नहीं होता और आई थिंक इससे कोई फायदा नहीं है देखिए मान्यता ना हर इंसान की होती है हर समाज की हर धर्म की होती है लेकिन मान्यता भी आई थिंक वही माननी चाहिए जिससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो है ना भगवान ये तो नहीं कहते कि कट जाओ मर जाओ पर मुझे खुश करो कहते कभी भगवान बिल्कुल भी नहीं कहते ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब ठीक है तुम मर जाओ अपनी बलि दे दो और मुझे खुश कर दो ऐसा कोई कर पाएगा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा तो ये सब चीजें हम लोगों को नहीं करनी ठीक है कहीं अगर हमें लगता है कि भाई हम लोग मतलब ठीक है हमें भगवान को खुश करना है या रिचुअल्स है हमारे कस्टम्स है हमें फॉलो करेंगे तभी शायद हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे नहीं भाई कुछ नहीं होना ठीक है मजे करो चिल मारो ठीक है अच्छे कर्म करो भगवान अपने आप खुश हो जाते हैं ठीक है चलिए विद हुक्स पर्स पियर्स थ्रू देयर स्किन दे स्वंग देमसेल्व्स ऑन अ व्हील ओ माय गॉड ये अपनी स्किन में अपनी स्किन में पियर्स करवाते हैं जैसे हम ये नोज पेन करवाते हैं ना स्किन के अंदर नोज पेन लगती है ये इयर हम लोग पहनते हैं तो ये हुक्स होते हैं ठीक है ठीके? ये हुक्स को ऐसे स्किन में बांध दिया जाता है और उसको गवर्नमेंट तो बताते हुए मुझे दर्द हो रहा है ठीक है उसको ऐसे स्किन में टांग दिया जाता है और उसको ऐसे पकड़ के फिर घूमना होता है तो ये बहुत दर्दनाक है लेट से अगर वो हुक खुल जाता है ठीक है आपकी स्किन में बांधा गया और वो जो हुक है वो ऐसे खुल गया तो वो पूरा मांस जहां से ये अटका हुआ है ना ऐसे पूरा पाथ से गोश बाहर आ जाएगा ठीक है सो so ये बहुत ही आई थिंक डेंजरस है है ना नहीं करना चाहिए भाई तो इन अर्ली नाइनटीन सेंचुरी जब यूरोपियन ऑफिशियल्स ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया था इंडियन कस्टम और रिचुअल्स को एज बारबरिक मतलब ये uh, वो है क्रूर क्रूरता से भरे हुए हैं इसमें uh, कोई मतलब सिंपथी नहीं है भाई इंसान नहीं हो तुम लोग जानवर हो जब अच्छा यहाँ पे एक चीज ये भी देखो जब हम खुद ही हम भारतीय ही खुद इतने भयानक कस्टम से खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं दर्द पहुंचा रहे हैं ठीक है तो ब्रिटिशर्स ने देखा तो खुद ही दुख पहुंचा रहे हैं अपने आप को तो हम तो जो इन्हें दुख देते हैं वो तो वो तो शायद कुछ भी नहीं है इसके आगे तो इन्होंने क्या देखा इन्होंने देखा कि, कि इनकी कैपेसिटी कितनी है दर्द झेलने की तो क्यों ना हम भी मतलब इसी कैपेसिटी का फायदा उठाया जाए उनको मतलब तोड़ा जाए है ना तोड़ा जाए मतलब ये होता है यहाँ पे ये बोल रही हूँ मैं कि मतलब इनको जितना ज्यादा परेशान कर सकते उतना करो, और से अपना फायदा उठाओ तो यहाँ तो इनवाइट कर रहे हैं भाई, देखो, कितनी से भरे है किसी भी लेवल तक परेशान करवा सकते तो so तो तो सबसे पहले इसको हटाया गया कि ये जो स्विंग ये हुक स्विंगिंग है इसको हटाया जाए खत्म किया जाए ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा तो राम मोहन रॉय पब्लिश मेनी पैम्पलेट्स टू स्प्रेड हिज आइडियाज सम ऑफ दीज वर रिटर्न एज आई बिटवीन दी डायलॉग बिटवीन एडवोकेट एंड क्रिटिक ऑफ अ ट्रेडिशन प्रैक्टिस हेयर इज वन सच डायलॉग ऑन सती अच्छा तो सबसे पहले जो हमारी सोसाइटी थी ब्रिटिशर्स के समय की बात कर रही हूँ उस समय हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे स्पेशली जो कुछ लोग थे स्पेशली uh, जो फ्रीडम फाइटर्स वगैरह थे तो ये लोग मतलब वो नहीं थे मतलब ये पढ़े लिखे थे अदरवाइज जो बाकी जनता थी वो बहुत ज़्यादा कुछ खास पढ़ी लिखी नहीं थी क्योंकि यहाँ पे जो हमारी औरतें हैं पहले उनकी हालत बहुत खस्ता थी तो ऊपर से हम उन्हें पढ़ा लिखा भी नहीं रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात थी तो जब हमें कम्युनिकेट करना होता था लोगों के साथ ठीक है तो हमें कैसे करना है तो हम क्या किया करते थे कि पैम्पलेट्स छोटे छोटे थे और लोग उनको पढ़ते थे समझते थे यानी कि कोई एक व्यक्ति भी पढ़ा लिखा है और ऐसा ही होता था यही रेशो होती थी वा, त, कि एक दस फैमिली मेंबर के घर में से सिर्फ एक ही बंदा पढ़ा लिखा होता था वो भी घर का बड़ा होता था ठीक है ओके तो उस उसको पैम्पलेट को पढ़ के सुनाया जाता था कि देखो भाई ये ये लिखा गया है ये कविता लिखी है या ये गीत लिखा है या ये जोश से भरा मतलब एक पैगाम आया है कि हम सभी लोग जोश से भर जाए एक डायलॉग फॉर्म में स्टोरी लिखी होती थी ताकि लोग उसको समझ पाए भाई ये की क्या कह रहा है, है ना क्या कहना चाहता है जैसे इसमें बताया कि उन्होंने एक एडवोकेट और जो क्रिटिक था वो दोनों आपस में डायलॉग कर रहे हैं तो एडवोकेट क्या कह रहा है उसको समझा रहा है और जो क्रिटिक है वो भी उसको बोल रहा है मतलब वो उसकी बात पे अगेंस्ट जा रहा 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 है कि नहीं भाई, तू सही नहीं भाई तो सही सही कह कह मैं तो इस तरीके से बातें समझाई जाती थी पहले और लिखा हुआ एडवोकेट ऑफ सती मतलब कि हम सती के फेवर में है ठीक है एडवोकेट कर रहे हैं हम उसको तो वुमेन आर बाय नेचर ऑफ इंफीरियर अंडरस्टैंडिंग विदाउट रेजोल्यूशन ऑफ ट्रस्ट

जो लेडी हुआ करती थी लेडी तो मैं बोलूंगी नहीं वो बच्ची हुआ करती थी एक्चुअली उस समय शादी ही दस साल में हो जाती थी दस साल तो बहुत बड़ी एज होती थी पता है तो अगर मान लो अगर बीस साल में भी उसका पति मर जाता है दस साल बाद मर गया मान लो कुछ ऐसी अनहोनी हो गई ठीक है तो बीस साल की लड़की को तुम जिंदा जला रहे हो ठीक है और उसमें लिखा क्या है ये मैं बताती हूँ कि उस समय हम जो फीमेल होती हैं हम हमेशा उसे उस समय नहीं आज भी इनफीरियर ही समझते हैं ठीक है कि इनफीरियटी दे, देखी जाती है उनके अंदर कि ये जो फीमेल्स हैं दे आर ओनली बाउंड टू वर्क एट हाउस ठीक है दे आर ओनली बाउंड टू वर्क इन द किचन और इनका सिर्फ काम यही है बच्चों की देख टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड बच्चों की देखभाल करनी है बात खत्म हो गई और कुछ ये नहीं कर सकती हैं फिर उनकी शादी कर दी जाती थी ठीक है अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो बच के निकल ही नहीं सकती थी पता है अगर वो बचने की कोशिश कर रही है भागने की कोशिश कर रही है तो उसके हाथ पैर बांध दिए जाते थे रस्सी से उस लकड़ियों में तो वो भाग ही नहीं सकती मतलब उसको अल्टीमेटली जलना पड़ेगा ठीक है मतलब मुझे बोलते हुए इतना अजीब लग रहा है मैं समझ नहीं आ रहा मुझे और उस समय ये जो महिलाएं थी ये सब सहती थी मतलब स्वयर अगर ऐसा कोई मेरे साथ करे मैं मैं तो तलवार लेके गला गाड़ दूं ठीक है तो ये बहुत ही बुरा है ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और ना ही होना चाहिए ठीक है खैर आगे चलते हैं अच्छा वो था जो एडवोकेट कर रहे थे सती को मतलब ठीक है अब जो ओपोनेंट है कि हम सती नहीं चाहते सती

ओपोनेंट में ये बताया गया है कि एक महिला को कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि उसकी पावर्स क्या हैं, वो क्या कर सकती है और वो इंफीरियर क्यों है है ना हम उसे कभी सिखाते ही नहीं हैं, हम उसे हमेशा यही बताते हैं यही समझाते हैं कि आपको बड़े होके शादी करनी है ठीक है बेटा कितना भी पढ़ लो पर ना घर का काम करना ही पड़ता है ये मम्मी खुद सिखाती है सबकी पता है आप कितना भी पढ़ लो बेटे बताए घर का काम ना लड़की को ही करना पड़ता है खाना बनाना पड़ता है बच्चों को देखना पड़ता है बट दिस इज नॉट ट्रू आप उसके दिमाग में शुरू से यही चीजें भर रहे हो दैट इज वाई वो चीज वो दिमाग में जा रही है और उसने अज्यूम कर लिया है कि जैसे सारा काम मेरी मम्मी कर रही है वैसे ही मुझे भी करना है सो so यहां पर प्रॉब्लम क्या है लैक ऑफ एजुकेशन हम क्यों उसको इनफीरियर फील करवा रहे हैं हम क्यों उसे ये कह रहे हैं कि अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको भी मरना पड़ेगा ठीक है सो दिस इज वॉट ओनली लैक ऑफ एजुकेशन तो इसीलिए महिलाओं को पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है ताकि उसे कम से कम अपने बचाव के लिए वो कुछ स्टेप उठा सके औरों को तो बचा पाएगी या नहीं पाएगी ये तो पता नहीं बट एटलीस्ट वो खुद को सेव कर सके ये बहुत जरूरी है है ना औरतें तो कुछ स्टेप लेने में ही लगा देती हैं कि अच्छा मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए इससे दूसरों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्या सोचेंगे लोग है ना आप मर जाओगे तब लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा बट अगर आपने कुछ स्टेप लिया तो तो लोग सोचेंगे राइट तो ये मेंटालिटी हर जगह रहती है तो हमें इससे निकलना है थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना है यहाँ पे राइट आगे चलते हैं फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर ईश्वरदास सॉरी ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत ही आ, विख्यात ये व्यक्ति महान व्यक्ति थे ठीक है ईश्वरचंद विद्यासागर बहुत पढ़े लिखे लर्नेट पर्सन पौ, थे इन्होंने हमारे भारत में सबसे पहला संस्कृत कॉलेज खोला ठीक है और उसके प्रिंसिपल ये रहे और लोगों को पढ़ाने की इच्छा इनमें हमेशा रही स्पेशली लड़कियों को ठीक है स्पेशली विमेन को औरतों को भी लड़कियों को भी लड़कियां और औरतें मतलब शादी के बाद औरत बोलो हो जाती है शादी से पहले लड़की बोलते हैं तो ऐसा कुछ तो ये हमेशा यही चाहते थे जो महिलाएं हैं जो स्पेशली विडो महिलाएं हैं विधवा महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर उनकी ज़िंदगी ऐसे ही निकलने वाली है बिना हस्बैंड के बिना बच्चों के है ना ऐसे ही मतलब पड़े हुए हैं बेकार खाना मिल रहा है पहनने हुए कपड़े नहीं मिल रहे हैं घर रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली हुई है तो दी वुमेन मस्ट बी एजुकेटेड अगर वो अपनी लाइफ में चेंज चाहती है तो उसका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है

ठीक है तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इनकी बातों से खुश होकर एक लॉ पारित किया एक कानून को पारित किया कि जितनी भी विधवाएं या विडो भारत में हैं वो सभी दोबारा से शादी कर सकती हैं है तो क्या लिखा है हिंदू विडो री तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था जो शायद सभी लोग लेने से डर रहे थे मतलब विधवा की मैरिज कैसे हो सकती है चलो सती हमने खत्म करा दिया इससे ज्यादा और क्या सोसाइटी यही बोलती है है ना शुक्र मनाओ इसको जलाया नहीं इसको इसके पति के साथ मतलब नहीं मार दिया गया अभी भी इसको और कुछ करवाना है मतलब ये पाप है है घोर अन्याय टाइप्स है ना बट ये चेंजेस अच्छे हैं होने जरूरी हैं ठीक है ठीके? सभी की लाइफ अगर बहुत छोटी उम्र में किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसे बहुत ज्यादा मतलब टॉर्चर नहीं करना है है ना उसको जाओ भाई उसकी दूसरी शादी कराओ ताकि वो खुशी खुशी अपना जीवन बिता सके क्या कर रहे हैं ये देखो डोली लेके जा रहे दिखाई दे रहे यानी कि किसी विडो की शादी करवाने के लिए लेके जा रहे हैं और ये ईश्वर चंद विद्यागर जी है ठीक है और कुछ लोग इनके सपोर्ट में नहीं थे वही लोग वही लोग जिनको हम कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे ये वही लोग हैं जो सपोर्ट में नहीं है ठीक है और ये क्या कर रहे हैं देखो कितनी मार्केट मचा दी है आग लगा दी है सारी चीजें तोड़ फोड़ दी है ठीक है तो ये इनके सपोर्ट में नहीं थे और इन्होंने इनको किया। थेज स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ दंट्री अब ये चीजें फैलने लगी अब एक बार कहीं कोई चीज पारित हो जाए कहीं उस चीज को हवा मिल जाए मतलब ना लोग उसे एक्सेप्ट करें या फिर आ, रिजेक्ट करे ठीक है तो उस चीज को महत्व मिलने लगता है कि ये रिजेक्ट क्यों हुई है या फिर ये चीज एक्सेप्ट क्यों हुई है ये ज्यादा जरूरी है ठीक है तो ये भारत के और भागों में भी इसको पहुंचा दिया गया अब इन तेलुगु तेलुगु तेलु, स्पीकिंग एरिया जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी है ना मद्रास पहले एक स्टेट था जो कि अब तमिलनाडु बन गए अभी मद्रास सिर्फ एक कैपिटल है जिसको आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं पर ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा एक बहुत बड़ा स्टेट था जिसे मद्रास कहा जाता था ठीक है पर अभी आज हम उसको तमिलनाडु बोलते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरा सलिगम, सलिंगम जो थे पंतुलु फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर विडो रीमैरिज तो ये वो पर्सन है जिनका नाम है वीरा सलिंगम पंतलू इन्होंने क्या किया इन्होंने एक एसोसिएशन खोला एक संघ खोला जहाँ पर विधवा की दोबारा शादी कराने का प्रावधान था कि अगर कोई विधवा या फिर वो खुद ही या फिर कोई और किसी की शादी करवाना चाहता है तो वो इनसे मिले और यहाँ पर उसकी शादी करवाए ठीक है अराउंड द सेम टाइम यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे कुछ लोग जो इनसे प्रभावित हुए खुश हुए बॉम्बे में तो उन्होंने भी ये, ये प्रण लिया ऐसे बोलते ना प्रण ले रहे हैं, कि भाई हम भी इस चीज को फॉलो करेंगे ठीक है इन तेलुगु सॉरी ये हो गया ओके इन्हें दिन स्वामी दयानंद सरस्वती अच्छा ये भी एक बहुत बढ़िया रिफॉर्मर थे ठीक है स्वामी दयानंद सरस्वती वो फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज है ना आल्सो सपोर्टेड विडो रिमैरिज ये जितने भी लोग हैं राजाराम मोहन रॉय स्वामी दयानंद विवे, विवेकानंद जी है ना और ये अभी कौन आए थे रामलिंगम है ना और ईश्वरचंद विद्यासागर ये सभी जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं ये सभी लोग महिला की Uh, सबसे पहले तो महिला की पढ़ाई के फेवर में थे और दूसरा विडो रीमैरिज के फेवर में थे क्योंकि ये एक बहुत ही uh, मतलब सोशल इविल थे जिसने महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका हुआ था ठीक है तो इन्होंने बहुत बड़े स्टेप्स लिए और लड़ाई की लड़ाई ऐसे नहीं मार पिटाई नहीं की लड़ाई की एजन की मतलब स्ट्रगल किया मेहनत की ये चीजें होनी चाहिए ठीक है तो इन्होंने जिस समाज की स्थापना की वो आर्य समाज था और स्वामी विवेक राजा राम मोहन रॉय ने कौन सा किया था हम्म ये कौन आगे अच्छा ये आर्य समाज राइट

हम कैसे अपने बेटे की शादी कर दें ये वो एंड ऑल बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इन सब चीजों को लेके तो इसलिए जो नंबर था रीमैरिज का वो बहुत कम था वो लो था लेकिन लोग चाहते थे कि ऐसा हो ये स्टेप लिया जाए अदोज वर नॉट इजीली एक्सेप्टेड सोसाइटी एंड कंजर्वेटिव ग्रुप्स कंटिन्यू टू अपोज एंड अपोज द न्यू लो तो बहुत सारे लोग जो थे वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो उन्होंने कहा भाई हम इसको नहीं मानेंगे ठीक है और वो क्या करने लगे लड़ाई वड़ाई करने लगे आग लगा दी और ब्ला 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 ये सब चीजें मतलब परेशान करने वाली बात करने लगे ठीक है तो स्वामी दयानंद सरस्वती दयानंद फाउंडेड दी आर्य समाज 1875 में ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने ये बनाया था जो कि अटेम्प्ट कर रहा था टू रिफॉर्म अच्छा ये हिंदुइज्म के भी फेवर में थे ठीक है कि मतलब जो हिंदुइज्म है वो बहुत ही अच्छा धर्म है हम सभी को उसे फॉलो करना चाहिए और मतलब उसके लिए हमें काम करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाना है कि जो हिंदू धर्म है वो कितना ज्यादा अच्छा है ये है ईश्वर चंद जी ठीक है ये इनकी रियल इमेज है अगर किसी ने नहीं देखा हो तो ये इनकी रियल इमेज है ठीक है

ताकि यहाँ पर महिलाओं को अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाए अब लड़कियां स्कूल आने जाने लगी ठीक है लड़कियां स्कूल आने जाने लगी फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ When the first school were opened in the mid 19th century, तो क्या हुआ Many people were afraid of them. तो लोग डरते थे कि भाई ये क्यों स्कूल खोले जा रहे हैं हमारे घर की लड़कियों को क्यों बाहर निकाला जा रहा है वो डरते थे that school would take girls away from home. कि जो स्कूल है वो लड़कियों को उनके घर से दूर ले जाएंगे जो उनके नॉर्म्स हैं ठीक है जो उनके कल्चर है कस्टम है वो लड़कियां सब भूल जाएगी और वो स्कूल में जाके रह जाएगी तो लोग इस चीज से बहुत डरते थे और डरते हैं एक्चुअली ठीक है प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग द डोमेस्टिक ड्यूटीज हाँ ये बहुत जरूरी काम है घर का काम करना बहुत जरूरी काम है कि आई थिंक कुछ होना हो पर घर का काम होना चाहिए चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए भूकंप आ जाए सुनामी आ जाए बट घर का काम होना चाहिए तो ये जो मेंटालिटी है डोमेस्टिक ड्यूटी वाली ये लोगों को बड़ा तंग करती थी कि अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है तो उसको घर का काम करना आना चाहिए बजाय स्कूल जाने के ठीक है तो लोग इससे भी तंग थे कि अब घर का काम कौन करने वाला है मोर ओवर गर्ल्स है है ना कई पब्लिक प्लेसेस से उसको निकलना पड़ता था अब देखो स्कूल ये तो है नहीं ना कि अगर आपने यहाँ घर है आपका तो आप इस जगह जाओगे तो आप फटाफट स्कूल पहुंच जाओगे तो बगल में तो स्कूल नहीं बन सकता तो उनको कई जगह से निकलना पड़ता था तो इस चीज के इस चीज में भी जो पेरेंट थे वो अपोज कर रहे थे इस चीज को कि भाई हमारी लड़की इतनी दूर नहीं जाएगी मेनी पीपल फेल दैट दिस वुड है करप्टिंग इन्फ्लुंस ऑन देम कि मतलब इन लड़कियों को मतलब करप्ट किया जा रहा है इनकी जो बुद्धि है इनको खराब किया जा रहा है, okay, तो जा जा है तो, बिगड़ जाओगे तुम लोग ठीक है तो दे गर्ल शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्प्लेस उनका मानना था कि इनका पेरेंट्स का कि जो लड़कियां हैं उन्हें घर से दूर नहीं जाना चाहिए ठीक है Therefore, throughout the 19th century, most educated women were वर that home by liberal fathers or husbands. तो वो लड़की जो पढ़ी लिखी है बहुत ज़्यादा मतलब उसके विचार आज़ाद हैं ख्याल आज़ाद हैं बहुत कुछ उसने अचीव किया है तो ये अचीव करना है ना इसमें सपोर्ट चाहिए किसका देखो तो यहाँ एक लाइन लिखी है कि मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वॉट एट होम बाय लिबरल फादर्स और हजबेंड्स मतलब जिनके पापा या फिर जिनके पति लिबरल तो थे यानी कि उदारवादी थे यानी कि जिनकी सोच छोटी नहीं थी और उन्हीं लोगों ने अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को घर पे बिठाकर पढ़ाया और इतना पढ़ाया कि वो अब लोगों को इंफ्लुएंस कर रही थी अब लोगों को समझा रही थी ठीक है इसीलिए जो घर में आई I मीन mean, जो लड़कियां होती हैं जो फीमेल्स होती हैं उनके फादर्स और उनके हस्बैंड्स का लिबरल होना बहुत ज़रूरी है तभी वो शायद आगे बढ़ सकती है अगर उसे आगे बढ़ना है लेट्स से अगर उसकी शादी नहीं हुई पापा ने कहते नहीं जाना तो वो नहीं जाएगी शादी के बाद उसके हस्बैंड ने बोला नहीं जाना तो वो नहीं जाएगी ठीक है वो अगेंस्ट नहीं जाना चाहती बट ऐसा नहीं करना चाहिए हमें सपोर्ट करना चाहिए हर किसी को जिस तरीके से जितने सोसाइटी के मेल आगे बढ़ रहे हैं आई थिंक फीमेल्स का बढ़ना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है ठीक है वुमेन डू यू यू रिमेंबर रीड अबाउट राज सुंदरी देवी इन बुक सोशल पोलिटिकल लाइफ स्टाइल इन लास्ट ईयर है ना सेवन क्लास में पढ़ा था ना आपने राजभरी देवी के बारे में ठीक है चलो आगे चलते हैं शी वॉज दो सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट एंड फ्लिकिंग लाइट ऑफ देंडल्स एट नाइट ये वो लेडी थी जो रात में पड़ती थी ठीक है जब लाइट नहीं जलती थी मोमबत्तियाँ जला जला के इसने अपनी पढ़ाई पूरी की ठीक है बहुत आगे ये बढ़ी ओके ये कौन है इन्हें जानते हैं आप ये इमेज देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं वैसे तो ये पेंटिंग है ठीक है ये महाराष्ट्र के दो हजब वाइफ हैं ठीक है ही uh, इज ज्योतिबा फूले ज्योतिराव फूले नहीं ज्योतिबा फूले एंड ज्योतिराव फूले ये दोनों आई I मीन mean, दोनों का नाम ज्योति ज्योति समथिंग है ठीक है तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं इन दोनों की चाइल्ड मैरिज हुई थी जब ये छोटे थे और इन्होंने अपनी मैरिज को बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखा और फिर इनकी वाइफ ने इच्छा जताई कि मुझे पढ़ना है क्योंकि ये पढ़ रहे थे अब ये पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा मैं भी पढ़ूंगी तुम अकेले क्यों पढ़ रहे हो है ना तो इन्होंने कहा अरे नहीं नहीं लड़कियों को पढ़ना नहीं दिया जाता तो ये एज बचपन में जब बच्चे बोल देते हैं कि अरे तुम्हें पढ़ने नहीं दिया जाएगा ये वो तो उन्होंने इस वे में बोला पर ये अड़ी रही नहीं मुझे पढ़ना है मुझे स्कूल जाना है तो जो इनकी घर में जो इनकी सासू माँ वगैरह जो इनके होते ना ससुराल वाले उन्होंने डांटा कि भाई नहीं तुम स्कूल नहीं जाओगी तुम नहीं पढ़ सकती हो तो मैंने शादी हो गई है तो मैं घर बाहर देखना है है ना तो तुम स्कूल नहीं जा सकती स्कूल सिर्फ ज्योति राव फूले जाएगा तो ये मतलब बढ़िया फ्रेंड हो गई फिर इनके हस्बैंड को लगा कि नहीं अगर इसमें ईगरनेस है पढ़ने की अगर ये चाहती है पढ़ना तो वाई नॉट इसे क्यों ना पढ़ाया जाए ठीक है तो उसका पढ़ना जरूरी है तो इन्होंने इसको बहुत हेल्प किया हेल्प करने के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ पढ़ते थे पढ़ाते थे तो इन्होंने ये इम्पोर्टेंस समझी कि जब मेरी वाइफ को जब मेरी वाइफ को पढ़ने की इतनी ज्यादा इच्छुक है पढ़ने की इतनी ज्यादा इच्छुक है तो शायद और भी लड़कियां हो सकती है जो पढ़ने की इच्छुक हो और उन्हें पढ़ने के लिए मना किया जा रहा हो है ना तो ये चीज पर सच निकली तो इन्होंने क्या किया अपने गांव से शुरुआत की अपने आसपास मोहल्ले से शुरुआत की कि जो भी लड़कियां हैं उन लोगों को हम दोनों पढ़ाएंगे और उन्हें शिक्षित बनाएंगे है ना हमारा जो समाज है हमारी सोसाइटी है उसका शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है तो इन्होंने वैसा ही करना शुरू कर दिया पर लोग इनके अगेंस्ट थे बहुत ज्यादा ठीक है लोग मतलब वही अटैक करते थे उल्टा सीधा बोलते थे कि भाई तुम लोगों ने हमारी बेटियों को बिगाड़ दिया है वो लड़कियां बिगड़ गई हैं खराब हो रही हैं राइट पर ऐसा नहीं था एक्चुअली अपने लेवल पर एक सोशल रिफॉर्म कर रहे थे ठीक है जो कि उस समय बहुत जरूरी था ठीक है तो ये अपनी इस चीज को लेके बहुत मतलब प्रचलित हुए ठीक है बहुत फेमस हुए और लोगों ने इनको बहुत ज्यादा अप्रीशियट किया ठीक है इन लेटर पार्ट ऑफ दी सेंचुरी स्कूल फॉर गर्ल्स वर बाय दी दी समाज इन पंजाब एंड ज्योतिराव फूल इन दी महाराष्ट्र तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया महाराष्ट्र में स्कूल खोले किसके लिए फीमेल्स के लिए लड़कियों के लिए तो अब लड़कियां स्कूल जाना शुरू हो गई तो ये तो बहुत अच्छी चीज थी है ना लड़कियां स्कूल जाना शुरू हो गई

ठीक है उनका जो सिलेबस है वो लिखा हुआ कम होना चाहिए इनको प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा सिखाओ ताकि सशक्त बन सके पढ़ने के साथ साथ इनमें स्किल भी आना जरूरी है ठीक है तो द हिंदू महिला विद्यालय वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू तो प्रोवाइड द गर्ल्स विद काइंड ऑफ का लर्निंग दैट दैट वाज यूजुअल फॉर बॉयज एट टाइम तो वही पढ़ाई इनको दी गई इनको समझाई गई जो कि उस समय लड़के के स्कूलों में लड़कों के स्कूल में पढ़ाई जाती थी तो ये तो बहुत अच्छा स्टेप था बहुत बढ़िया हुआ ये

कौन सी इज्जत और कौन उसको खराब करने वाला है मुझे ये भी समझ नहीं आता ठीक है खैर तो आ, भेदभाव का बड़ा ध्यान रखते हैं भाई हमारे साथ कुछ नहीं हो जाए हम सोसाइटी से ना निकाल दिए जाए ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो पर जो अमीर लोग होते हैं जिन्हें एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी या एरिस्टोक्रेटिक क्लास कहा जाता है ठीक है तो वो लोग बिलीव करते थे कि भाई लड़कियों को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है तो उन घर की महिलाएं घर में बैठ के कुरान पढ़ती थी अच्छा कुरान पढ़ना भी अपने आप में एक पढ़ाई है ठीक है अगर आपको आ, जो क्या बोलते हैं उसको मॉरल लाइफ की चीज़ें जो समझ आ जाए है ना मतलब कि मोरालिटी समझ आए कि किसको किस तरीके से ट्रीट करना है क्या सही है क्या गलत है ये भी एक तरीके की पढ़ाई है है ना आप पढ़ाई कैसी भी करो बट पढ़ाई करनी जरूरी है ताकि वो आपके दिमाग का विकास कर सके ठीक है आपके दिमाग को खराब नहीं करे तो ये अरेबिक में यहाँ

तो इ नहीं आयत ठीक है आयत बोलते हैं उसको जैसे हम लोग श्लोक बोलते हैं दे कॉल्ड इट आयत तो आ, उसको मतलब इन्होंने इंटरप्रेट किया सिंपल लैंग्वेज में ताकि लड़कियों को पढ़ाने में और समझाने में उसका इस्तेमाल किया जा सके द फर्स्ट उर्दू नोवेल बिगन टू राइट फ्रॉम दी लेट नाइन्टीन सेंचुरी तो ये उर्दू नॉवल्स लिखे जाने लगी ताकि जो महिलाएं पढ़ी लिखी हो चुकी हैं जिनको मतलब पढ़ना लिखना आता है तो वो महिलाएं इन नॉवेल्स को पढ़ें और अपनी नॉलेज को और ज्यादा एनहेंस करें From the early 20th century, Muslim women like Begums of Bhopal played a notable role in the promoting education among the women. तो ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर भोपाल की बेगम्स हैं ठीक है ठीके? और जैसा कि मैंने बताया कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करती थी दैट अमीर थे खानदानी रहीस थे तो इनके लिए कोई पाबंदी नहीं हुआ करती थी अगर ये कोई चीज़ चाहती हैं तो इनको घर पर प्रोवाइड कर दी जाती थी ठीक है तो इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया रोल प्ले किया कि इनके आस की जो महिलाएं थी जैसे दास दासियाँ होती हैं है ना दासियाँ नहीं होती बड़ी आ, कि इनके साथ ही दस बारह दासियां बै, बैठी हुई हैं ये कुछ काम नहीं कर रही है आराम से बैठी हुई हैं और दासियां लगी हुई है इसकी सेवा में तो उन दासियों को पढ़ाना लिखाना समझाना उनकी फैमिली इसको पढ़ाना उनकी इंपॉर्टेंस शो करना कि कितना जरूरी है एजुकेशन का हमारे पास में होना दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़ तो अलीगढ़ में प्राइमरी स्कूल खोले गए ताकि लड़कियों को स्कूल भेजा जाए उन्हें जो प्राथमिक शिक्षा है वो दी जाए और उसी के सहारे वो जो अपनी उच्च शिक्षा है उसको प्राप्त कर सके

चीज के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी कि भैया ये सही है तो इसलिए सही है ठीक है अब 1880 के साथ इंडियन टू बिगे यूनिवर्सिटीज अब इंडियन यूनिवर्सिटीज में जाने लगे कॉलेज जा रही है खुशी की बात अचीवमेंट हुई यहाँ पर हमारी है ना सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर तो कुछ लड़कियां डॉक्टर्स बनी कुछ लड़कियां टीचर बनी अच्छा डॉक्टर कौन बनी सुचेता कृपलानी जानते हैं आ, दिल्ली में हॉस्पिटल है लेडी हार्डिंग नाम से आ, प्रचलित होगा फेमस होगा आप सभी को माइट भी पता नहीं लेडी हार्डिंग नहीं कलावती कलावती हॉस्पिटल सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल ऐसे ही समथिंग कुछ है ठीक है तो शी इज दी फर्स्ट लेडी इन्होंने एक मेडिकल स्कूल मेडिकल कॉलेज खोला स्कूल भी खोला कह सकते हैं तो वहां पर इन्होंने नर्सेज को ट्रेन किया तो ये यहाँ पर सीपी में कनॉट प्लेस में गोल मार्केट में हॉस्पिटल है ये तो बड़ा ही फेमस हॉस्पिटल है बहुत अच्छा है बहुत ज्यादा लोगों का इलाज यहाँ पर एक समय में होता है बेस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर मिलते हैं ठीक है मेनी वुमेन बिगन टू राइट एंड पब्लिश क्रिटिकल प्लेसेस ऑफ दुम इन सोसाइटी तो लोग लड़कियों ने या ने क्या करना शुरू किया देखो वुमेन राइट अबाउट वुमेन अब वुमेन लिखने लगी हैं कि यहाँ औरतों के साथ क्या क्या समस्याएं हैं औरतों के साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है तो ये सभी चीजें अब लिखी जाने लगी और कौन लिख रहा है इनको खुद विमेन लिख रही है ठीक है ताराबाई एट होम एट पूना जिसे जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना स्त्री पुरुष तुलना ठीक है लेडी थी ठीक है जिन्होंने अपने घर पे रह के बहुत अच्छी पढ़ाई की इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना यानी कि या नहीं क्या किसान और वन ठीक है तो इन्होंने बताया और इसने क्रिटिसाइज किया भैया कि जो हमारी समाज की जो रीतियां हैं रिवाज हैं जिनके नाम पे हम बहुत कुछ गलतियां बहुत मजे से करते हैं वो सभी गलत है उन्हें रोक देना चाहिए फिर पंडिता रामाबाई अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत फेल्ड जो हिंदुइज्म है वो अप्रेसिव है टूवर्ड वोड अबाउट तो इन्होने ये लिखा कि यहाँ पर अभी आगे हम पढ़ रहे थे कि जो कौन थे स्वामी दयानंद ये इम्प्रेस uh, कर रहे थे हिंदुज्म को कि हिंदुइज्म अच्छा है और यहाँ पर कौन है ये पंडिता रामाबाई रमाबाई ये कह रही है कि जो हिंदू समाज है यहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है है ना तो वहां पर एक बंदा अप्रिशिएट कर रहा है और दूसरा बंदा सो क्रिटिसाइज कर रहा है दैट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ठीक है शी फाउंडेड अ विडोज होम एट पूना टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज Who had been treated badly by their husbands and relatives? तो उन्होंने एक uh, मतलब एक shelter home खोला और वहां पर सभी विधवा महिलाओं को रखा गया और मतलब वो महिलाएं जो अपने घर से प्रताड़ित थी ठीक है जिन्हें उनके रिश्तेदार उनके हस्बैंड परेशान किया करते थे तो वो इस शेल्टर होम में आके रहा करती थी है so तो इनको ट्रेन किया जाता था यानी कि इनको स्किल सिखाए जाते थे मतलब वो स्किल कुछ भी हो सकते हैं जिससे पैसे कमाए जाए ताकि ये मतलब बेकार ना रहे बोझ ना रहे किसी के ऊपर तो ये कौन है ये है पंडिता रामाबाई ठीक है शी इज ब्यूटिफुल फोटो थोड़ी ब्लैक एंड वाइट है बट बहुत ही आई थिंक कमाल लग रही है ये और अगर ये रियलिटी में अगर ये देखेंगे तो शी मस्ट बी ब्यूटीफुल राइट बहुत ही अच्छी लग रही है आगे चलते हैं टू से मतलब ये कहने की जरूरत नहीं है कि ऑल दिस मोर देन अलार्म दी ऑर्थोडॉक्स तो ये सब औरतें जितनी भी महिलाओं के बारे में अभी तक हमने पढ़ा ये काफी थी ठीक है ये जो रूढ़ीवादी ता है है ना ये जो ऑर्थोडॉक्स जो ये जो कैटेगरी है इसको मतलब इसका बैंड बजाने के लिए औरतें काफी थी ठीक है फॉर इंस्टेंस मैंने हिंदू नेशनलिस्ट फील दैट जो हिंदू विमेन है वर अडॉप्टिंग अडोप्टिंग वेस्टर्न वेज एंड दैट इज प्ट हिंदू कल्चर एंड फैमिली वैल्यूज मतलब ये अब देखो जब कुछ हमारे हाथ से निकलने लगता ना हम ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं सबसे पहले तो ये हम ये ह्यूमन नेचर है एक्चुअली जब आपके ऊपर जब आपका किसी चीज पे कंट्रोल नहीं होता वर यू वट आर यू स्टार्ट डूइंग की यू ब्लेम एवरी वन ठीक है अब यहाँ पर जो लोग थे घर के लोग इन्होंने ब्लेम करना शुरू कर दिया कि ये जो महिलाएं हैं जो पढ़ाई लिखाई के नाम पर पढ़ाई लिखाई कर रही थी एक्चुअली ये कह रही थी कि तुम पढ़ाई लिखाई के नाम पर क्या कर रही हो वेस्टर्न कल्चर अपना रही हो जिससे क्या है जो हिंदू बर्बाद हो गया तो ये क्या कर रही है? ये बिगड़ चुकी है इनका कहने का मतलब ये है यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स चेंजेस अब ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स भी मतलब डरने लगे देखो ऑर्थोडॉक्स वर्ड जहां जुड़ जाए ना वो धर्म ही खतरनाक हो जाता है चाहे वो क्रिश्चियन है मुस्लिम है या हिंदू है ठीक है रूढ़ीवादिता एक ऐसी सोच है जिसे बदलना जिसे हटाना बड़ा ही मुश्किल काम है ठीक है मतलब ये लोग होते हैं अड़ियल अगर आप इन्हें कुछ समझाते हो तो ये आपके पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है ठीक है तो ये जो रूढ़ीवादी लोग हैं जो ऑर्थोडॉक्स पीपल हैं ये सोचते बहुत है ये करते कुछ नहीं है सिर्फ सोचते हैं इनको एक्शन लेना नहीं आता ठीक है तो ये भी टेंशन में आने लगा भाई मुस्लिम्स भी अब हिंदू की लड़कियां जो है हिंदूइज्म जो है वो महिलाएं मतलब अगर बिगड़ रही हैं तो भाई हम मुस्लिम लोग तो बहुत ज्यादा कंजर्व करके रखते हैं तो हमारी भी बिगड़ जाएगी ठीक है एज यू कैन सी बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी क्या हुआ वुमेन देमसेल्व्स वर एक्टिवली वर्किंग फॉर रिफॉर्म तो यहां पर मतलब जो अब उन्नीसवीं शताब्दी खत्म होने वाली थी इस हाफ एरिया में इस हाफ एरिया में जब नाइनटीन सेंचुरी खत्म हो रही थी तो वुमेन एक्टिवली लगी हुई थी अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए है ना इन्होंने किताबें लिखी एडिट की मैगजीन्स स्कूल की स्थापना की ट्रेनिंग सेंटर्स खोले गए सेटअप किए वुमेन एसोसिएशन ताकि जो वुमेन है जो महिलाएं हैं उनको ज्यादा से ज़्यादा सशक्त बनाया जा सके ठीक है फ्रॉम दी अर्ली शुरू कर दिया प्रेशर ग्रुप क्या होता है सबसे पहले गवर्नमेंट से अलग होते हैं लेकिन सरकार के ऊपर बराबर का दबाव बनाते हैं यानी कि वो काफी सारे लोग होते हैं और मिलकर न एक चीज को लेकर एक टॉपिक को लेकर सरकार को परेशान कर देते कि ये कैसे हुआ इसको सही करो या आपने गलत किया इसको सही करो या आपने सही किया इसको गलत करो मतलब इस तरीके का प्रेशराइज करना किसी को किसी काम के लिए ठीक है जो आपको समझ नहीं आ रहा समझ नहीं आ रहा है जो के लिए सही नहीं है लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अब ये क्या रहे थे टू पुश थ्रू लॉज फीमेल सफरेज टू राइट टू वोट यानी फीमेल सफरेज यानी कि आपको वोट करने का अधिकार मिला है बेटा हेल्थ केयर सभी को चाहिए क्योंकि उस समय हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था ठीक है और जो विमेन थी उनको हेल्थ बिल्कुल भी उनकी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जाता था क्योंकि उनको खाने को कम मिलता था ऑलरेडी ठीक है उनको बच्चे पैदा करने होते थे तो उनकी जो हेल्थ है वो और ज्यादा डाउन हो जाती थी तो यहाँ पर डिमांड की गई किसकी बेटर हेल्थ किसकी केयर की और अगर किसी को लड़की हो जाती थी तो और भी ज़्यादा दुर्गति हो जाती है उसकी बेटा अगर पैदा हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है ठीक है तब आपको थोड़ी सी देखभाल मिल जाएगी एजुकेशन फॉर वुमेन तो ये इसके बारे में काफी बात कर चुके एक्सप्लेन नहीं करूंगी जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस लेंट दे सपोर्ट टू डिमांड टू डिमांड फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन तो उन्होंने कहा कि मतलब ये सपोर्ट में थे कि भाई जो वुमेन है ना ठीक है इनको आ, सपोर्ट मिलना चाहिए ठीक है इनको ग्रेटर इक्वालिटी मिलनी चाहिए इनको वोटिंग सिस्टम प्रॉपर मिलना चाहिए ताकि ये भी भाई पार्ट ले सके क्योंकि हम भी इस देश की आबादी का हिस्सा हैं नेशनलिस्ट लीडर जो थे राष्ट्रवादी नेता जो थे इन्होंने प्रॉमिस किया कि दर वुड बी फुल सफरेज फॉर ऑल मैन एंड वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस जब आजादी हम लोगों को मिल जाएगी तब सभी औरत और आदमियों को वोट करने का अधिकार दिया जाएगा पूरी तरीके से हाउ एवर दे आस्क विमेन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द ब्रिटिश एंटी स्ट्रगल तो तब तक उनको कहा गया कि भैया तुम सब मिलके अभी फिलहाल ब्रिटिशर्स के बारे में सोचो ठीक है कि ब्रिटिशर्स को कैसे भगाया जाए ये सब चीजें हम लोग बाद में इंडिपेंडेंस के बाद देख लेंगे यानी कि अभी टाल दिया गया उनको कि ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है फिलहाल फोकस किया जाए ब्रिटिशर्स के ऊपर ठीक है तो विद द ग्रोथ ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम फाइटिंग के समय बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ठीक है एंड राइटिंग ऑन दीज इशू द मोमेंटम फॉर रिफॉर्म गेनड स्ट्रेंथ अब क्या था औरतें घर के अंदर काम कर रही थी और जो आदमी थे घर के बाहर काम कर रहे थे कैसे औरतें जो थी वो पत्र लिखती थी समाचार पत्र लिखती थी मैगजीन छापती थी ठीक है ये सब चीजें किया करती थी तो वो अंदर अंदर काम कर रही थी लोगों को जागरूक कर रही थी लोगों के अंदर चेतना उजागर कर रहे थे और जो आदमी थे वो बाहर लड़ाई कर रहे थे

बाल विवाह है उसे रोकना है तो नहीं तो जो हमारा समाज है वो फिर वापस घूम के वहीं फिर आ जाएगा जो इतनी अचीवमेंट हमने पाई है उसका कोई फायदा नहीं रहेगा ठीक है अब देखिए ये ब्राइड है ये ग्रूम है दुला दुल्हन है देखो कितना छोटा दुला है ये कितनी छोटी सी दुल्हन है तो ब्राइड जो एट दी एज ऑफ एट आठ साल की उम्र में देखो ये दुल्हन बनी है ठीक है ज अ पिक्चर ऑफ अ हैं मैं ये देख रही हूँ इमेज के अंदर और इनकी शादी कर दी गई है ये बच्चे है इनकी स्कूल जाने की उम्र है ये शादी का फोटो खिंचवा रहे हैं हाथ में बुक लेके खैर इवन today अगर आपको जैसे नहीं पता हो तो आज भी काफ़ी स्टेट्स हैं जहां पर आ, जो मैरिज है लड़कियों की 18 से कम में कर दी जाती है इवन लड़कों की भी कर दी जाती है ठीक है इवन आई थिंक मेरे रिलेटिव में मेरे रिलेटिव में नहीं सॉरी किसी नोन में <laughs> मेरे रिलेटिव में नहीं कि मेरे घर पुलिस भेज दो आप लोग मतलब है कोई नोन में कहीं है बहुत दूर है तो दे मैरिड द थ्री डॉटर्स ठीक है फर्स्ट एजेज ऑफ ट्वेंटी सेकेंड की एज थी आई थिंक uh, नहीं फर्स्ट की एज की सिक्सटीन और जो थर्ड डॉटर है शी शी इज़ एट मतलब थर्टीन की एज में तीनों की शादियां निपटा दी थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन और एटीन मतलब अभी लास्ट ईयर की बात बता रही हो मतलब दैट मीन्स आज भी चाइल्ड मैरिज की जाती हैं ठीक है तो ये बहुत ही बेकार है मतलब ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है आप अपने बच्चों को बोझ समझते हो तो पैदा ही मत करो ना अगर आपकी सोच ही यही है कि भैया मेरे बच्चे हो गए हैं मेरी लड़कियाँ हो गई हैं और मुझे इनको निपटाना है तो इतने बच्चे पैदा ही क्यों करने जब आप उनका बोझ नहीं संभाल सकते राइट अच्छा 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट, रिस्ट्रेंड एक्ट लेकर आया गया ठीक है विदाउट काइंड ऑफ बिटर डिबेट कोई डिबेट नहीं हुई अच्छा इसके ऊपर मतलब बड़े ही प्यार से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया ठीक है तो एज 18 और 16 पहले 18 और 16 थी कि लड़के की एज 18 और लड़की की 16 बाद में इसको बदल दिया गया लड़के की एज 21 लड़की की 18 ठीक है अब यहाँ पे क्या लिया गया है कि अकॉर्डिंग टू द एक्ट मैन बिलो द एज ऑफ अट्ठारह वुमेन बिलो द एज ऑफ सिक्सटीन कुड मैरी पहले ऐसा था बाद में क्या निकाला गया लिमिट्स वर टू सबसे फॉर बॉयज एंड अठारह फॉर गर्ल्स तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया लेकिन अभी तो अब तो आजकल के टाइम में तो इतनी एज में बच्चे कोई हानि करता ना अभी तो तीस साल के हो जाते तब भी लोग डिसाइड नहीं कर पाते मुझे शादी करनी है

राम मोहन रॉय ने ट्रांसलेट किया ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कि क्रिटिसाइज करते थे कास्ट सिस्टम को जो प्रार्थना समाज थी वॉज अ ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव इन स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट तो प्रार्थना समाज जो था ये सभी लोग आ, मतलब आ, इस चीज़ के खिलाफ थे अगेंस्ट थे कि भैया जो कास्ट सिस्टम है उसको फॉलो नहीं किया जाए

अगर टीचर की नजर से देखा जाए तो आई शुड भी ब्राह्मण है ना मैं ब्राह्मण हूँ बट ऐसा नहीं है ठीक है मैं ब्राह्मण नहीं हूँ बट आई एम अ टीचर क्योंकि एबिलिटी है भाई है ना कुछ एबिलिटी टैलेंट नाम की भी चीज होती है ना ये थोड़ी ब्राह्मीण हो तभी तुम्हारे पास टीचर का टैग लगेगा क्षत्रिय वॉरियर्स एंड रूलर्स राजा महाराजा वैश्य फार्मर ट्रेडर मर्चेंट है ना शूद्रा लेबर जो लेबर होते है उसको शूद्रा बोलते हैं और दलित यानी कि जो आउटकास्ट होते हैं स्ट्रीट स्वीपर लैटरिन क्लीनर्स इन सबको कहा जाता है ठीक है तो इन सबको हटाया जाने के लिए मांग की गई कि ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं की जाएगी तो मेनी ऑफ दीज रिफॉर्मर्स एंड मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशन वर पीपल ऑफ अपर कास्ट अब ये जितने भी रिफॉर्मर्स थे ठीक है ये पंडिता रमाबाई स्वामी दयानंद राजा राम मोहन रॉय तो ये सभी अपर कास से बिलोंग करते थे और अपर कास्ट से बिलोंग करने के बाद भी इस चीज को कहते थे कि भैया ये सिस्टम लो हम लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए नहीं तो इनको क्या पड़ी है इनको तो सब बेनिफिट मिल रहे हैं बट ये नहीं चाहते कि समाज में सभी लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाए है ना मेनी ऑफ दीज रिफॉर्मर्स एंड मेंबर रिफॉर्म एसोसिएशन पीपल ऑफ अपर अच्छा ये तो हो चुका कई बारी इन सीक्रेट मीटिंग में दीज रिफॉर्मर्स जो थे वुड वायलेट कास्ट हैबूज ऑन फूड एंड टच यानी कि पहले अभी मैंने आई थिंक बताया होगा आपको जो हायर क्लास या अपर क्लास लोग होते हैं जैसे ब्राह्मण क्षत्रियज एंड वैश्य तो ये लोग ना मतलब अनटचेबल्स और जो शूद्राज होते हैं उनके टच से बचते हैं

ये सभी कहते थे कास्ट सिस्टम मतलब कास्ट ऑर्डर होना ही नहीं चाहिए ये चीजें गलत है है ना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 19th सेंचुरी क्रिश्चियन मिशनरी जो थी उन्होंने सेट करना शुरू कर दिया स्कूल किसके लिए ट्राइबल ग्रुप के लिए लोअर कास्ट चिल्ड्रन के लिए तो क्रिश्चियन मिशनरी जो थी ठीक है क्रिश्चियन मिशनरी ये ब्रिटिशर्स नहीं थे ये अह थे ठीक है पुर्तगाइज वर कीन टू You know, convert people to, you know, I mean to make them understand or force them to, uh, you know, adopt or change the their religion and uh, join the Christianity. तो खैर वो चीज़ अलग थी इसको यहाँ नहीं लाएंगे तो बट उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए काम क्या किया कि उन्होंने यहाँ पर Christianity लोगों ने आई मीन ट्राइबल ग्रुप्स के लिए क्या किया स्कूल्स यहाँ पर खोले ताकि सभी लोग स्कूल जा सकें।

फैक्ट्रीज एंड कमिंग अप एंड जॉब्स इन कई लोग फैक्ट्री में काम करने लगे कई लोग म्यूनिसपैलिटी में काम लग, करने लगे क्योंकि पैसे चाहिए थे भाई पैसे नहीं थे उस समय है ना और सभी लोगों का एम्पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी था okay, अभी बच्चा क्या कहता है थिंक न्यू लेबर जो लेबर आई है ना और ये सभी लोग जो काम कर रहे थे तो इनकी डिमांड्स भी आई होंगी ठीक है तो ड्रेन हाँ तो, तो क्या काम इनके लिए निकाला गया इनके लिए क्या काम निकाला गया कि इन सभी के लिए क्या काम दिए जाएगा कि बिल्डिंग्स बनाई जाएगी यानी कि स्कूल बिल्डिंग बनाई जाएगी है ना कुएं खोदे जाएंगे और नालियां बनाई जाएगी प्रॉपर सिस्टम अच्छा किया जाएगा तभी तो लोगों को काम मिलेगा नहीं तो ये लोग घूमते रहेंगे बेट इट दिस लेबर केम फ्रॉम इ लेबर कहाँ से आई अभी हमने देखा गाँव से आई थी है ना ये 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 देखिए देखिए सभी 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 लोग लोग थे ये ये हैं इसमें ये काम कर रहे हैं ठीक है और ये काम कर रहे हैं तो इनको काम मिल रहा है काम मिलेगा तो फिर इनको बाद में पैसे मिलेंगे है ना दीपुओ फ्रॉम दिलेजेस एंड स्मॉल टाउन मेनी ऑफ दिन कास्ट ये सभी लोग अपनी सिटीज से अपने गांव से बाहर आए ताकि इन लोगों काम करें और ये लोग आगे बढ़ पाए ठीक है अपने आप को सशक्त बना पाए सम वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन प्लांटेशन यानी कि मैंने बताया था ना आपको जहां पर जो एक ही तरह की फसल होती है और जो बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है उसको प्लांटेशन कहा जाता है ठीक है जैसे कि टी प्लांटेशन तो टी जो है चाय जो है बहुत बड़े लेवल पर उगाई जाती है कहाँ पर ये प्लांटेशन थी और ट्रिनीडेड मॉरिशियस इंडोनेशिया एंड असम तो सभी लोग यहाँ पर आए काम करने के लिए भारत से बात हूँ। भारत के लोग सभी इन चार जगहों पर आए और इन्होंने यहाँ पर काम किया काम करके पैसे कमाए और अपना जीवन स्तर सुधारा वर्क इन न्यू लोकेशन वॉज ऑफन वेरी हार्ड अब आप नई जगह पे जाते हो सुटेबल जगह नहीं होती ठीक है आपको अकॉर्डिंगली काम करना होता है बट कोई बात नहीं एडजस्ट हम लोग कर लेते हैं ठीक है बट दुअर जो गरीब लोग थे जिनको परेशानियाँ हो रही थी ठीक है जिनकी लाइफ बड़ी मुश्किल थी वो बड़े खुश थे बाहर निकल गए यहाँ से है ना मतलब दिनों से लोगों ने नाक में दम किया हुआ था बाहर निकल हुए यहाँ से तो उनको बड़ा मजा आया एज दैंडन में बेचती होती थी रोज है ना अच्छे से बात नहीं करते थे तंग करते थे बदतमीजी करते थे तो उनको पसंद नहीं था ठीक है अली शिप ये कुली शिप है नाइनटीन सेंचुरी में कुली शिप नीम जॉन एलन इसका नाम जॉन एलन ने रखा कैरेट मैनी इंडियन लेबर टू मोरीशियस वेन दे अ डेडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ हार्ड लेबर मोस्ट ऑफ दीज लेबर वर्क फ्रॉम द लो कास्ट तो ये एक शिप है इसी शिप के द्वारा हमारे भारत के जो लो कास्ट पीपल थे वो यहाँ से मोरिशियस गए और बहुत खुश होकर गए बड़ा मजा आया उनको क्योंकि वो यहाँ से निकलना चाहते थे बचना चाहते थे अच्छा बड़ा ही लंबा टॉपिक गया भाई पर मज़ा आया बहुत अच्छा था ठीक है होपफुली आपको समझ आया होगा बहुत अच्छी अच्छी एक एक चीज़ मैंने यहाँ समझाई है कोई भी डाउट होता है प्रॉब्लम आती है समस्या आती है तो आई एम ऑलवेज हेयर टेलीग्राम पे हम सभी मिलेंगे तो थैंक यू सो मच तो पहले बेलाइकन लाइक एंड शेयर एंड देन डाउनलोड द टेलीग्राम टेलीग्राम डाउनलोड नहीं करोगे तो हम लोग बात नहीं कर पाएंगे थैंक यू सो मच एंड 拜拜。Bye bye.